नए आईटी नियमों को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच तकरार जारी है अभी तक ट्विटर सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मानने में आनाकानी कर रहा था साथ ही बीते दिनों केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया था बाद में एक चेतावनी के साथ इसे चालू किया गया ट्विटर के रुख को देखते हुए एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई थी तो कोर्ट में क्या कहा है ट्विटर ने देखिए इस रिपोर्ट में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने कोर्ट में यह स्वीकार किया है कि उसने भारत सरकार के द्वारा बनाए गए आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है ट्विटर के इस कबूलनामे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब केंद्र सरकार ट्विटर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है कोर्ट कंपनी को सुरक्षा नहीं दे सकता ट्विटर से कोर्ट ने सवाल किया कि अगर 21 जून को ग्रीवांश अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया तो दूसरे अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई ट्विटर को दूसरे अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए थी इसे ट्विटर के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है और न ही अनिश्चित काल का समय दिया जा सकता है कोर्ट ने ट्विटर से कहा कि जल्द से जल्द बताए कि ग्रीवांश अधिकारी को कब तक नियुक्त कर रहे हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार के नए आईटी नियम लागू होने के बाद गूगल फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसे स्वीकार कर लिया है और नियमों के अनुसार काम भी कर रहे हैं फेसबुक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि फेसबुक ने तीस मिलियन से अधिक पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई की इंस्टाग्राम ने पंद्रह मई से पंद्रह जून के बीच लगभग दो मिलियन पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की गूगल ने यूट्यूब समेत अपने उत्पादों से उनसठ लिंक हटा दिए लेकिन ट्विटर अपनी जिद पर रहा डीबी लाइव की रिपोर्ट